गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस के वाक्यों की पहचान में क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहेगा लगातार आता है और साथ ही समय के साथ का जिक्र भी होगा। ठीक, आपको परफेक्ट में सिर्फ था ये और अब इसके साथ कंटिन्यूअस ये भी आएगा, समय को भी होगा। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, वो सुबह से खा रहा है, अब काफी देर से सो रही हूँ, तो इसमें समय का जिक्र होगा। ठीक, अब सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के साथ किया जाता है, फॉर का प्रयोग किसी समय अवधि के साथ किया जाता है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा हैज बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होगा हैव बीन। देखिए इसके रूल्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, इसलिए आपको सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज करना है। बीन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद समय का ध्यान के लिए सिंस और वर्ब भी यूज होगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक, सब्जेक्ट सेम थिंग हैज हैव एंड इज अ डिफरेंट फॉर्म नॉट, इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। बी बी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म टाइम की। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य, इसमें आएगा हु, ठीक, हुम, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, किसमें डब्ल्यूएचएन हां, हैज एंड हैव एंड सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर द टाइम। नेक्स्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वही हु, हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। देखिए अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में यहां समय का भी होगा जिक्र, वह 1947 से यहां रह रहा है। ठीक, तो समय दे दिया कब से, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन, दैट इज ए सब्जेक्ट। Has been, आपको बताया था ही के साथ has, have का प्रयोग करना है। Has been, ठीक, living her since 1947, since का प्रयोग तो समय के लिए। राम 1 घंटे से चल रहा है, ठीक, तो राम has been walking for 1 hour, वह 1 हफ्ते से इस किताब को पढ़ रही है, तो she has been reading this book for a week, को वे 7 बजे से पढ़ रहे हैं। वे यानी they have been studying since 7 o'clock. Next, वह 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। He has been waiting for me for an hour. Me यानी मेरा और 1 घंटे से 1 hour इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक के लिए, वह रविवार से पढ़ाई नहीं कर रही है। शी हैज नॉट बीन, ये नॉट का उच्चारण आ गया, स्टडिंग सिंस संडे, यानी ये वाक्य रहेंगे अफर्मेटिव जैसे ही, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग होगा। वे 1 साल से एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन मीटिंग ईच अदर फॉर 1 year. वे सोमवार से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। दे के लिए आता है दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मंडे, तो वह 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ, ठीक, फाइन, आप 1 महीने से मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यू हैव नॉट बीन रिटर्निंग माय कॉल फॉर अ मंथ, ठीक, ये हो गए नेगेटिव वाले। नेक्स्ट आएगा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक,
ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही समय को भी इसमें शो किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इनको नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे, और इसके 5-5 भाग के आज होमवर्क दे रही हूँ, 5-5 इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव के और अफर्मेटिव के बना के कॉपी में लिखेंगे और सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।